आज हम अपना हीट ट्रांसफर लैब का प्रैक्टिकल नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका एम है, इसका एम एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो मैं एक एक करके बोलूंगा। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हमें क्या कहा है, टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्टिकल हीटेड ट्यूब इन एयर ड्यूरिंग नेचुरल कन्वेक्शन। और जो इसका सेकेंड पार्ट है वो ये है, टू डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट विद द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड कंपेयर इट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दोनों ही पार्ट में कुल मिला के हमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है नेचुरल कन्वेक्शन के लिए, ठीक है। पहले पार्ट में हम जो रीडिंग्स लेंगे उसके बिहाफ पे जो हमारे पास जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आएगा उसको हम, जिसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरे पार्ट में हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो एप्लीकेशन ऑफ बकिंगम पाई थ्योरम से आई है हमारी, उसके बिहाफ पे हम उसकी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि कितना कितना डिफरेंस आया है। तो एक हमारी हो जाएगी थियोरेटिकल वैल्यू जो कि एम्पेरिकल फॉर्मूले से आई है, और एक हमारी हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि अभी हम थोड़ी देर में रीडिंग लेके देखेंगे कि कैसे आएगी, ठीक है। अच्छा, दोनों ही पार्ट में हमारे पास एक बात है कि हमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किसके लिए कैलकुलेट करना है, हमें कन्वेक्शन के लिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि हमारे पास कोई हॉट प्लेट है और हॉट प्लेट के कॉन्टैक्ट में कुछ एयर आ रही है, जो एयर की जो डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। अच्छा, जैसे ही जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे हॉट प्लेट के कॉन्टैक्ट में आएगा, थोड़ी देर बाद वो जो एयर है उसकी जो डेंसिटी है गर्म होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और कुछ एयर ऊपर की तरफ ब्लो करनी शुरू कर देगी। तो ये क्या होगा, थोड़ी देर में हम देखेंगे कुछ करंट्स डेवलप हो जाएंगे, जिन करंट्स को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। ये एक्चुअली नेचुरली होता है, तो इसलिए इस तरीके की जो कन्वेक्शन को हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। और इसे हम जानते हैं कि जो नेचुरल कन्वेक्शन है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। अगर हम इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक ब्लोअर लगा देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। बट हमें जो आज हमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है वो हमें नेचुरल कन्वेक्शन के लिए करना है। तो नेचुरल कन्वेक्शन के लिए जो हमारे पास, अगर हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात करें, जो हम अपने पहले पार्ट में कैलकुलेशन जब हम करेंगे रीडिंग लेने के बाद, उसमें हम क्यू इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, ये वाला जो एच है ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम एक्चुअली लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करने से मतलब ये है कि हम बेस से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ये चेक करेंगे कि हमारी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे करेंगे। तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो पहला जो पार्ट है उसमें जो लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो तो बेटा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आ जाएगा, जिसमें जो हमारे पास हीट फ्लक्स है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट आवर हीटर, और उसके बाद हम इसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेंगे। जो डेल्टा टी है, यहाँ पे हमारे पास दो टेम्परेचर का डिफरेंस है, एक तो टेम्परेचर हमारे पास एम्बिएंट कंडीशन का, और एक वो टेम्परेचर कि हम ये देखेंगे कि जिस पॉइंट पे हम हीट, जो हम थर्मोकपल चूज करेंगे उस पॉइंट के ऊपर जो एयर है जस्ट अबव, उसका टेम्परेचर कितना है, है ना। एक टेम्परेचर तो वो जो कि हमारे हीटर के जस्ट पास होगा, और एक उससे बहुत दूर, मतलब कि एम्बिएंट कंडीशन का जो टेम्परेचर है उसका, उसकी जगह हमने यहाँ पे डेल्टा टी लिख रखा है, ठीक है। अब अपनी दूसरी टेक्निक के ऊपर चलते हैं कि दूसरी टेक्निक में हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से अपना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा, दूसरी टेक्निक पे जाने से पहले हमें यह पता है, बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ पाई थ्योरम हमने एक रिलेशन निकाला है फ्री कन्वेक्शन के लिए। ऐसे ही फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए भी एक रिलेशन होता है, ऐसे ही फ्री कन्वेक्शन के लिए भी रिलेशन होता है, बिकॉज वी आर डूइंग नेचुरल कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन। तो उसमें एक रिलेशन ये होता है कि नसेट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ ग्राशॉफ नंबर एंड प्रांट्स नंबर। अच्छा, नसेट नंबर क्या होता है, वो होता है एच एल बाई के, ग्राशॉफ नंबर जो उसमें होता है एल क्यूब रो स्क्वायर बीटा जी डेल्टा टी बाय म्यू स्क्वायर, और जो प्रांट्स नंबर होता है वो होता है म्यू सी डिवाइडेड बाय के। अच्छा, जब भी हम बेटा फ्री कन्वेक्शन की बात करते हैं ना, तो फ्री कन्वेक्शन में हमें एक बात का ध्यान देना है, फ्री कन्वेक्शन में जो मेन जो नंबर है ना बेटा वो होता है ग्राशॉफ नंबर, क्योंकि जो ग्राशॉफ नंबर है ना वो ऑब्टेन होता है बायंड फोर्सेस की वजह से। अच्छा, इस केस में बायंड फोर्सेस, क्योंकि हमने नेचुरल कन्वेक्शन पढ़ी है, तो बायंड फोर्सेस यहाँ पे इसलिए एक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चेंज इन डेंसिटी होती है, एक जगह एयर गर्म होती है और एक जगह एयर
कि जो डेंसिटी है वो हमारी ठंडी होती है, जिसकी वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और वो अपवर्ड फोर्स की वजह से जो हमारी कन्वेक्शन है इस केस में नेचुरल रहती है। तो इस केस में जो ग्रैशॉफ नंबर है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो हमें यह पता है कि नसेट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ ग्रैशॉफ नंबर एंड प्रांड नंबर। तो अच्छा, जो मैंने अभी वैल्यूज बताई है एच एल बाई के, नसेट नंबर में जो एच एल बाई के है, एच इज द हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, ये वही एच है जो हम इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एल इज द लेंथ, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड। अच्छा, ग्रैशॉफ नंबर में अगर हम बात करें, हमारे पास जो अलग अलग वेरिएबल हैं एल, रो, बीटा, जी, डेल्टा, टी और म्यू, अगर मैं इसको ऐसा कहूं, एल हमारी लेंथ है, जो रो है हमारी डेंसिटी है फ्लूइड की, बीटा है वॉल्यूम एक्सपेंशन, जी है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेल्टा टी, जो बेटा इसमें डेल्टा टी है बेटा हमारा, ये हमारे पास ये वो टेम्परेचर डिफरेंस है जिसके अराउंड हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो म्यू है ये हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है। अगर हम चाहें म्यू स्क्वायर बाय रो स्क्वायर का जो रिलेशन है इसको हम काइनामेटिक विस्कोसिटी से भी, काइनामेटिक विस्कोसिटी के स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं, जो कि हम आगे कैलकुलेशन में देखेंगे। अच्छा, प्रांड्स नंबर होता है म्यू सी बाय के, वेयर म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड एंड सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अपने उस एप्लीकेशन से जो हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में भी देखा होगा, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, कि जिसमें हमारा नसेट नंबर फंक्शन होता है प्रांड्स नंबर और ग्रैशॉफ नंबर का, तो उससे हम एक रिलेशन पे आ सकते हैं सो दैट वी कैन कैलकुलेट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो वो रिलेशन ये है कि जब इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, कभी हॉरिजॉन्टल ट्यूब के ऊपर, कभी वर्टिकल ट्यूब के ऊपर, अलग अलग ज्योमेट्री के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे गए, तो वी गेट टू नो दैट नसेट नंबर इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल ऑफ ग्रैशॉफ नंबर इनटू प्रांड नंबर, और जो उसकी जो पावर है वो है m, वेयर m एंड c, जो मैं ये बात कह रहा हूं m एंड c आर दोज वेरिएबल विच डिपेंड अपॉन कि हमारा जो फ्लो है वो लेमिनार है या हम जब भी इसमें एक मल्टीपल कैलकुलेट करेंगे ग्रैशॉफ नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रांड नंबर, ठीक है। जब इन दोनों मल्टीपल की वैल्यू 10 रेज टू पावर 4 से ज्यादा आएगी और 10 रेज टू पावर 9 से कम आएगी तो उस फ्लो को हम लैमिनार फ्लो कहेंगे, और दूसरा अगर उन दोनों मल्टीपल की वैल्यू 10 रेज टू पावर 9 से ज्यादा आएगी तो उस फ्लो को हम टर्बुलेंट कहेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ये वर्टिकल प्लेट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा सिलेंडर जो एक लगा हुआ है वो वर्टिकल पोजीशन में है, तो वर्टिकल पोजीशंस के लिए भी नसेट नंबर कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने हेल्प ली है डीएस कुमार, जो हमारे पास हीट ट्रांसफर बुक है हमने यहाँ पे उसकी हेल्प ली है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम नसेट नंबर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे निकालें, जिसको हमने डिनोट किया है नसेट नंबर एट एक्स, तो उसकी जो वैल्यू है बेटा वो होती है 0.60 ब्रैकेट में मल्टीपल ऑफ ग्रैशॉफ नंबर एंड प्रांड नंबर, और उसकी जो पावर है 0.25। ये जो 0.25 है वही वैल्यू है जो पहले मैंने m से डिनोट करी थी, और जो 0.60 है ये वो वैल्यू है जो पहले मैंने c से डिनोट करी थी। ये जो दोनों वैल्यू है ये हमारे लेमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। ये जो मैं वैल्यू बता रहा हूं नसेट नंबर की, ये लेमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल है। और लेमिनार फ्लो कब होगा? जब वो 10 रेज टू पावर 4 से इनका मल्टीपल ज्यादा होगा और 10 रेज टू पावर 9 से कम होगा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, यहां पे एक फैक्टर और मल्टीप्लाई होता है यहां पे, जो कि है प्रांड नंबर ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय प्रांड नंबर ऑफ द वॉल, और इसकी होल की पावर 0.25 या मैं कह सकता हूं 1/4। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये हम अपने एक्सपेरिमेंट में चाहें तो इसको इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट इससे जो मेरे आंसर में फर्क है ना बहुत ही माइन्यूट से आएगा। अच्छा, प्रांड नंबर हम जो कैलकुलेट करेंगे, जो प्रांड नंबर म्यू सी बाई के है, अच्छा फ्लूइड क्या है, अगर हम प्रांड नंबर फुल फ्लूइड की बात करें उसमें बेटा जो हमारी चेंजेस आएंगे ना फ्लूइड का जो टेम्परेचर है, क्योंकि हम इसमें एवरेज टेम्परेचर लेके चलेंगे, वो टेम्परेचर कुछ होगा, और अगर हम वॉल का टेम्परेचर कुछ लेंगे तो वो थोड़ा सा फ्लूइड के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो जो वो रेशो है ना वो लगभग 1.001 या 1.004 तक आएगी, कि जो पी प्रांड्स नंबर ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय प्रांड्स नंबर ऑफ वॉल की होल की पावर 0.25 है, इसको मैंने एक्सक्लूड किया है बिकॉज मेरे पास प्रांड नंबर ऑफ वॉल निकालने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वॉल का, उसके लिए मेरे पास अपने एक्सपेरिमेंट में कोई थर्मोकपल नहीं था, इसलिए मैंने उसकी वैल्यू एक्सक्लूड की है। एंड आई रिपीट अगेन कि वो जो वैल्यू मैंने एक्सक्लूड की है उससे मेरे आंसर पे कोई फर्क समझ लो आप ना के बराबर ही आएगा। तो मेरे पास जो नसेट नंबर है वो मैं कैलकुलेशन में, अगर लेमिनार फ्लो होगा तो मैं निकालूंगा 0.60 इंटू ग्रैशॉफ नंबर इंटू प्रांड नंबर की पावर 0.25 से, और अगर मेरे पास मेरा फ्लो मतलब कि
टर्बुलेंट आएगा तो मैं उसको निकालूंगा 0.13 इंटू ग्रेश ऑफ नंबर इंटू प्रांड नंबर, इसकी कोई पावर नहीं है हमारे पास, तो मैं इससे कैलकुलेट करूंगा। तो लेट अस सी हमारे पास कैलकुलेशन में क्या आता है। हम कैलकुलेशन में दोनों वैल्यूज से अपना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है और इसका अपैरेटस में क्या क्या चीजें हैं, कहां पे क्या चीजें कैसी लगी हुई हैं, उन चीजों को समझ लेते हैं। फिर फाइनली एक रीडिंग के बिहाफ पे हम दोनों पार्ट की अलग अलग कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे। हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो उसमें यह है कि हमको हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली, और दोनों का जो कंपेयर करके हम उसमें उसका एरर फाइंड आउट करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम अपने अपरेटस के ऊपर आते हैं। अपरेटस में आप देख सकते हैं एक ट्यूब है जो GI की है, इसके अंदर सेंटर में एक हीटर लगा हुआ है, इसके ऊपर ये 5 थर्मोकपल्स लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के ऊपर, जिससे हम अलग अलग हाइट पे इनका टेम्परेचर हम यहाँ टेम्परेचर इंडिकेटर से हम नोट कर सकते हैं। हीटर को हीट देने के लिए इस पे हमने AC सप्लाई दिया हुआ है। AC सप्लाई के लिए ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे स्विच है। इसका वोल्टेज ये वोल्ट मीटर से हम चेक कर सकते हैं और इसका करेस्पॉन्डिंग करंट हम इस एमीटर से चेक कर सकते हैं। इन 5 थर्मोकपल्स के टेम्परेचर यहाँ पे मल्टी चैनल सेलेक्टर टेम्परेचर इंडिकेटर से हम सेलेक्ट करके 1, 2, 3, 4, 5 5 टेम्परेचर हम नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अपरेटस के बारे में। अब आते हैं हम अपना परफॉर्मेंस के ऊपर कि किस तरह से इसको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मेंस पीछे से हम ऑन करेंगे, हमारे मेंस में सप्लाई ऑन हो जाएगी। इस स्विच को ऑन करेंगे, इसके बाद ये हीटर स्विच को हीटर को ऑन करेंगे, ये वोल्टेज रेगुलेटर से वोल्टेज सेट करेंगे। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 30, 36, 35 कुछ भी सेट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, हमने अभी 36 वोल्ट पे इसको सेट किया हुआ है और इसमें जो करंट आ रहा है वो 0.51 आ रहा है। इसको हम 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, 30 मिनट्स इसको देंगे ताकि ये अपना स्टेडी स्टेटस में आ जाए। स्टेडी स्टेटस का मतलब यही है कि टाइम के साथ में इस पर टेम्परेचर वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो हम अब मान के चल रहे हैं कि हमने 30 मिनट्स दे दिया इसको और ये मान के चल रहे हैं कि इसने अपना स्टेडी स्टेटस अटेन कर लिया। तो अब हम इन 5 थर्मोकपल्स की रीडिंग नोट करेंगे। अभी टेम्परेचर थर्मोकपल नंबर 1 का आ रहा है, ये 50.6 आ रहा है। इसको हम चेंज करके 45.9 आ रहा है 2 का, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। 46 आ रहा है, कभी 49 आ रहा है, मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है। 45.5 और फिफ्थ का 45.6। तो इस तरह से ये हमारे अलग अलग हाइट पे ये टेम्परेचर हमने यहाँ से नोट कर लिए। आगे की कैलकुलेशन इस और इसको हम एक टेबल में
नोट करेंगे और उसका जो फॉर्मेट है ये इस तरीके से, ये फॉर्मेट है, ये रन नंबर, वोल्टेज, करंट, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वॉट आ जाएगा, और ये थर्मोकपल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के जो टेम्परेचर्स है वो हम इसमें एक रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग के लिए इसमें हम नोट कर लेंगे। इसी तरीके से आगे के लिए हम दोबारा से हीट इनपुट को चेंज कर देंगे। हीट इनपुट मान लीजिए हमने इसको कर दिया 45, 46, अभी हमने इसको 46.4 पे सेट कर दिया। अब दोबारा से इसका करेस्पॉन्डिंग देखिए, ये करंट भी इंक्रीज कर गया। इसको अगेन हम टाइम देंगे और करीब 20-25 मिनट्स तक वेट करेंगे ताकि दोबारा से ये फिर स्टेडी स्टेटस अटेन कर लें। और सेम तरीके से, उसी तरीके से हम इनका वोल्टेज, करंट और 5 टेम्परेचर हम नोट करके इस तरह से टेबल में हम नोट कर लेंगे। और इसी तरीके से हम 3 या 4 रीडिंग ले सकते हैं और हम 3-4 कोफिशिएंट निकाल के हम उसको एवरेज देके और हम एम्पिरिकल जो थ्योरेटिकली हम जो कैलकुलेट करेंगे उससे कंपेयर करके और परसेंटेज एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाकी आगे कैलकुलेशंस के लिए हम चलते हैं अपने सर के पास, वो आपको आगे की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आपको बताएंगे। थैंक यू। तो बेटा आप अपनी कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। हमने अपना एक ही रन लिया है, मतलब कि हमने एक ही बार वोल्टेज पे हमने रीडिंग निकाली है। आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास रीडिंग आई है ना, ऐसे हमें 3 या 4 बार लेना है और फिर उसके हिसाब से हमें निकालना है। बट एक रीडिंग के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करनी है तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या था हमारे पास, हमने क्या देखा कि जो हमने जो ट्यूब ली है अपैरेटस में, जो सिलेंड्रिकल ट्यूब ली है, जो उसका डायमीटर है वो है 0.042 मीटर। जो लेंथ है हमारे कंप्लीट हीटर की और जो इफेक्टिव लेंथ है, दोनों में अंतर है। जो कंप्लीट जो हीटर की जो लेंथ है वो है हमारी 0.910 मीटर, और जो इफेक्टिव लेंथ है ना, जिसमें एक्चुअली हमने जो थर्मोकपल लगा रखे हैं और जिसके बीच में हम हीटिंग देख रहे हैं या जिसके बीच में हम अपना हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो वो है 0.610 मीटर। जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो है 26 डिग्री सेल्सियस, तो उसको अगर हम केल्विन में चेंज कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा 299 केल्विन। ठीक है। अच्छा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल स्टेडी स्टेट कंडीशन पे आने के बाद ली है। हमने केवल एक ही रन लिया है, तो हमने जो पहला रन लिया है वो हमने 36 वोल्ट पे लिया है, तो उस पर जो हमें करंट मिला है वो मिला है 0.51 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, बार बार जो हमारे पास जो 5 थर्मोकपल थे उसके हमारे पास ये टेम्परेचर है। हम अपनी इस कैलकुलेशन में, हम क्योंकि हमारे पास जो थर्मोकपल 5 थर्मोकपल हैं, जो पहला थर्मोकपल है वो बेस से 10 mm की दूरी पे है, दूसरा थर्मोकपल बेस से 20 mm की दूरी पे है, तीसरा थर्मोकपल बेस से 40 mm की दूरी पे है, चौथा थर्मोकपल बेस से 80 mm की दूरी पे है और पांचवा थर्मोकपल बेस से 140 mm की दूरी पे है। तो हम इस वाले थर्मोकपल के ऊपर जितना टेम्परेचर आएगा उस हिसाब से हम अपना हीट ट्रांसफर कोफिशेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसको हमने कहा है लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो इस बात का ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं अपना लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले देखते हैं उसके एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास डाटा आया है उसके हिसाब से हमारी क्या क्या वैल्यू है। तो हमारे पास जो वोल्टेज आई थी वो आई थी 36 वोल्ट और जो करंट था वो था 0.51, तो उस पे जो हमारी हीट है बेटा वो हीट इनपुट हमारी हो गई 18.36। अच्छा, इस हीट में क्या है, ये हीट हमारे पूरे हीटर की लेंथ की है, जो लेंथ हमारी 910.910 मीटर की थी। बट एक्चुअली हमें अपनी इफेक्टिव लेंथ के लिए हीट इनपुट देखनी है, तो इफेक्टिव लेंथ के लिए जो हमारी हीट इनपुट है तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 0.610 डिवाइडेड बाय 0.910। तो उस समय जो हमारी हीट इनपुट आती है वो आती है 12.30 वाट।
अच्छा, क्योंकि इसमें हम अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब अपने हीट फ्लक्स निकाल लेंगे। हीट फ्लक्स इज नथिंग बट हीट इनपुट डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, एरिया हमारे पास सिलेंडर का लेंगे, क्योंकि जो सिलेंडर के चारों तरफ जो हमारी एरिया है उस पर कन्वेक्शन हो रही है, तो उस पर हम लेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेटा, वो होता है हमारे पास 2πRL या 2πDL, क्योंकि हमारे पास d गिवन था, मैंने इसको r में चेंज ना करके डायरेक्ट वैल्यू पाई dl की ले ली। और जब मैं एरिया इसका पाई dl कैलकुलेट करूंगा तो वो मुझे मिलेगा 0.0804। तो मेरा हीट फ्लक्स q अपॉन a मेरा यहाँ पे आ जाएगा 152.98। ठीक है, ये तो हमारी रही हीट फ्लक्स। अब हमें क्या था, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था q/a इज इक्वल टू h एट 20 mm फ्रॉम द बेस मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस मेरे पास क्या है कि 20 mm पे, मतलब कि थर्मोकपल नंबर 2 पे जो मेरे पास टेम्परेचर था वो है 46, और उसके बाद जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो है मेरे पास 26। तो डेल्टा टी में मैं इन दोनों टेम्परेचर को लेके मैं अपनी एच, मतलब कि हीट ट्रांसफर कोफिशियंट 20 mm फ्रॉम द बेस से उसकी वैल्यू निकाल लूंगा। और डेल्टा टी की जो मेरे पास जो यहाँ पे बेटा जो वैल्यू आएगी, डेल्टा टी की वैल्यू है मेरे पास 319 केल्विन माइनस 299 केल्विन। तो मेरे पास जो हीट ट्रांसफर कोफिशेंट, लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशेंट है, वो मेरे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसके हिसाब से आ जाता है बेटा 7.64 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये मेरे पास पहली रीडिंग आ गई है। अच्छा, जो इसमें डिफिकल्ट पार्ट है ना बेटा, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला से थ्योरेटिकल जो हमारी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ये मान के चलिए कि मेरे पास जो सरफेस है ना, जैसे कि जो मैं 20 mm का सरफेस लेके चल रहा हूँ, उस सरफेस के जो ऊपर का टेम्परेचर है वो तो आ गया 46 डिग्री सेल्सियस, बट करते करते जो हीट ट्रांसफर हो रही है एक लेयर के थ्रू हो रही है, एक लेयर, एक कन्वेक्शन की जो लेयर बनी है, जो फिल्म बनी है, वो जा रही है आपकी 26 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करूंगा एवरेज टेम्परेचर के बिहाफ पे करूंगा। तो एवरेज टेम्परेचर जो कन्वेक्शन की जो फिल्म बनी है ना, एक तो मेरे सिलेंडर के जस्ट सरफेस के ऊपर से शुरू होते होते और जब तक वो 26, जब तक एम्बियंट कंडीशन तक पहुंचता है, वो मेरी थिकनेस ऑफ द फिल्म है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो एवरेज, जो उसमें जो एक तरफ तो उसका टेम्परेचर 26 है और एक तरफ उसका टेम्परेचर 46 है, तो मैं क्या कह रहा हूं, उसका मीन टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर ले रहा हूं। तो जो वो एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा आ रहा है 36 डिग्री सेल्सियस। एक बात का ध्यान देना, हम जितनी भी अब कैलकुलेशन करने वाले हैं वो हम सारी इस 36 डिग्री सेल्सियस के लिए करने वाले हैं, और क्योंकि हम एयर के लिए कर रहे हैं तो इसमें हम सारी जो कैलकुलेशन है एयर के लिए देखेंगे। इसके लिए बेटा हम एक वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, engineeringtool.com। जो engineeringtool.com है उसमें हमने क्या है, हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे हमारी क्या क्या वैल्यू वेरी कर सकती है, वो हम डायरेक्ट सारी वैल्यूज वहाँ से देख सकते हैं। मैंने भी सारी वैल्यूज वहीं से देखी है। जैसे कि मेरे पास जो ग्रेशॉफ नंबर है, ग्रेशॉफ नंबर का ये एक्सप्रेशन होता है बीटा जी डेल्टा टी एल क्यूब रो स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर। यहाँ बीटा है वॉल्यूम एक्सपेंशन, जी है बेटा मेरे पास एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेल्टा टी मेरा टेम्परेचर डिफरेंस, एल इज द लेंथ, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर मैं रो स्क्वायर म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर कर देता हूं तो वहां पे मुझे उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी मिल जाती है। तो ग्रेशॉफ नंबर के लिए मैं ये भी दोनों यूज कर सकता हूं। अच्छा, अब ग्रेशॉफ नंबर और दूसरा है हमारे पास प्रांट्स नंबर। प्रांट्स नंबर और ग्रेशॉफ नंबर के अलग अलग जो वैल्यूज हैं उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा की, वॉल्यूम एक्सपेंशन की। उसका जो फॉर्मूला होता है 1/ एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर हमारे पास 36 डिग्री था, तो उसका जो हमारे पास केल्विन आ गया उससे हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली। जी की वैल्यू मुझे पता होती है, डेल्टा टी मेरे पास है 319 माइनस 219, तो ये मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ से मैंने एक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली विच इज बीटा जी डेल्टा टी। तो जो बीटा जी डेल्टा टी है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 0.6278। अच्छा, जो मेरे पास लेंथ है मेरी, तो लेंथ का मेरे पास, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पे एल क्यूब है, तो लेंथ हो जाएगी मेरी एल क्यूब जो हो जाएगी 8×10⁻⁻⁶। जो लेंथ है मेरी हो जाएगी एल क्यूब हो जाएगा 8×10⁻⁶। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूँ
अपनी काइनामेटिक विस्कोसिटी की, काइनामेटिक विस्कोसिटी अगर मैं एयर की निकालूं अपने इस एवरेज टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी वैल्यू आती है मेरी 16.54 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6, क्योंकि यहाँ पे उसका स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे उसका स्क्वायर लिया है। अगर मैं अपनी डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर निकालूं 36 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसकी वैल्यू आती है 18.89 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6 पास्कल सेकेंड। अगर मैं अपनी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर निकालूं एयर का 36 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो आता है 1.006 इंटू 10 रेस टू पावर 3 जूल पर केजी केल्विन। अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड अगर निकालूं 36 डिग्री सेल्सियस पे एयर के लिए, क्योंकि फ्लूइड हमारा इसमें एयर है, तो वो है मेरी 0.027 वॉट पर मीटर केल्विन। तो ये सारी वैल्यूज बेटा जो मैंने है, ये मैंने नेट से उठाई है, आप भी उसको नेट से उठा सकते हो, वेबसाइट नीचे लिंक में भी दे रखा है, ठीक है। तो वहां से मैंने प्रांट्स नंबर और ग्रेशोफ नंबर के लिए एक एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो प्रांट्स नंबर की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.702 और ग्रेशोफ नंबर की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 18.35 इंटू 10 रेस टू पावर 3। अब हमें क्या है, नसेट नंबर का दोनों फंक्शन होते हैं, नसेट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ प्रांट्स नंबर एंड ग्रेशोफ नंबर, उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है। वो रिलेशन ये कहता है कि अगर मेरे पास जो मल्टीपल है ग्रेशोफ नंबर और प्रांट्स नंबर का, वो अगर 10 रेस टू पावर 3 से है, तो मेरा जो फ्लो है लैमिनार है, और अगर 10 रेस टू पावर 9 से बड़ा है तो जो मेरे पास फ्लो है टर्बुलेंट है। तो यहां पे जो मेरे पास जो मल्टीपल है बेटा ग्रेशोफ नंबर और प्रांट्स नंबर का, वो मेरे पास आ रहा है 12.8817 इंटू 10 रेस टू पावर 3। तो इसका मतलब जो मेरे पास फ्लो है लैमिनार है, और अगर लैमिनार फ्लो होता है तो नसेट नंबर के लिए ये वाला एक्सप्रेशन है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हम नसेट नंबर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये ग्रेशोफ नंबर और प्रांट नंबर का मल्टीपल है, उसकी हम पावर लेंगे 0.25, तो हमें ये वैल्यू ऑप्टेन होगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.60 से, जैसे कि यहाँ फॉर्मूले में भी लिखा है, तो हमें नसेट नंबर मिल जाएगा 6.392। अब नसेट नंबर से ही हम अपना हीट लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कैलकुलेट करेंगे 20 mm के लिए, तो वो हो जाएगा यहाँ पे नसेट नंबर होता है HL by K, H को यहाँ पे छोड़ के, तो मुझे यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यू मिल जाएगी अपने हीट ट्रांसफर कोफिशियंट की, जो कि है 8.629। अच्छा, अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, एक ऑब्जर्व वैल्यू भी और एक थ्योरेटिकल वैल्यू भी। जो मेरे पास थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला से आई है वो आई है 8.629, और मेरे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से आई थी वो आई थी 7.64। तो उससे मैंने जो एरर निकाला तो मेरा एरर आता है 14.93% एरर। ये जो एरर है, ये एरर का मतलब ये है कि ये डिफरेंस है थ्योरेटिकल वैल्यू में और प्रैक्टिकल वैल्यू में, जो कि जनरली हमेशा देखी जाती है। कई बार ये जो आपका एरर है आप अलग अलग टेम्परेचर पे लोगे, ये भी हो सकता है एम्बिएंट टेम्परेचर, अगर आप सर्दियों पे लोगे तो ये एरर रिड्यूस हो जाएगा, अगर आप गर्मियों में लोगे तो ये एरर इंक्रीज भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप ये जो एक्सपेरिमेंट है किस टेम्परेचर पे कर रहे हो, किस एम्बिएंट कंडीशन में कर रहे हो, तो इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये एरर आपका वेरी कर सकता है 5% से लेके 15% के बीच में, कई बार 20% भी पहुंच जाता है। तो ऐसे ही हमें इसकी कैलकुलेशन करनी थी, तो हमने इसकी दोनों तरीके से कैलकुलेशन कर ली है और उसका हमने एरर भी कैलकुलेट कर लिया है।